वाले क्या फैसला लेता है इस पर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी, लेकिन मांग लगातार हर जगह से उठ रही है। विपक्ष के कई और नेताओं ने सरकार से यह गुजारिश की है कि परीक्षाओं को रद्द कराया जाए ताकि कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाया जा सके। तो कोरोना ने देश में हाहाकार मचा रखा है। हर रोज बढ़ते आंकड़े हालात भयावह होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस जानलेवा खतरे के बीच लाखों बच्चों की जान अटकी है एक अदद परीक्षा को लेके। बच्चे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बीच सवाल ये है कि आखिरकार परीक्षा होगी तो होगी कैसे? क्या ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? तादाद भी छोटी मोटी नहीं है। अपने स्टेट बोर्ड की परीक्षा रद्द की है या टाल दी है, इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली शामिल हैं। उधर परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स बुरी तरह परेशान हैं। फ्रेंड्स, सरकार ने यहां पर 1 मई से जितने भी होने वाले तबादले, बड़े निर्माण कार्य भी रोक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जिनकी भी पोस्टिंग थी उन सभी की पोस्टिंग को कोरोना के चलते रोक दिया गया है। तो पोस्टिंग वाले जो नौकरी करते हैं वो तो 18 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं। तो फ्रेंड, उनके लिए यहाँ पर इतने बड़े काम किए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं किए जा रहे? CBSE ने 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है, तो MP बोर्ड ये 10वीं की परीक्षा निरस्त क्यों नहीं कर रहा? 12वीं की परीक्षाएं भी निरस्त होनी चाहिए। अगर निरस्त नहीं कर सकते तो ओपन बुक पद्धति से आपकी परीक्षाएं ली जानी चाहिए। सरकार हर तरफ की तरफ सोच रही है, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ क्यों नहीं सोच रही? यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं भी निरस्त होनी चाहिए। अभी तक बोर्ड ने प्रैक्टिकल्स को भी निरस्त नहीं किया है, तो बोर्ड को यहाँ पर बहुत जल्द डिसीजन लेना होगा। अगर डिसीजन लेने में देरी करते हैं तो यहाँ पर छात्रों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो, दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोरोना केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द घोषणा करनी चाहिए कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जाएंगी, उनको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। Unacademy. Let's crack it. Guys, I hope आप भी मेरे जैसे एक स्टूडेंट हो और आपको भी मेरे जैसे आपके एग्जाम और स्टडी को लेकर के बहुत सारा टेंशन है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारा स्कूल भी बंद है और इसी हालत में घर बैठे बैठे एग्जाम के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन गाइस, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए Unacademy ने लाया एक बेहतरीन मौका, जो कि है फ्री टेस्ट, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पर फ्री में टेस्ट दे करके आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन ले सकते हो। क्योंकि जो टेस्ट है यह चैप्टर वाइज सीरीज में होने वाला है, इसलिए आपके सिलेबस का एक कंप्लीट रिविजन मिलेंगे और इस टेस्ट के क्वेश्चंस को इंडिया के कुछ टॉप एडुकेटर्स के दौरान बनाया जाता है और टेस्ट खत्म होने के बाद टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व किया जाता है, जिससे आपके सारा का सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। इसलिए गाइस, अगर आप इन सारे टेस्ट पर अच्छे से अटेंड करते हो तो आपके सिलेबस के कंप्लीट रिविजन मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए मिलेंगे आपको एक परफेक्ट प्रिपरेशन। और गाइस, जो टेस्ट है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। सैटरडे 5 PM पर क्लास 9th के मैथमेटिक्स एंड संडे 5 PM पर क्लास 9th का साइंस का टेस्ट होने वाला है। दोनों टेस्ट ही MCQ टाइप का होने वाला है, 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 1 आवर। और क्लास 10th का एवरीडे 5 PM से स्टार्ट होने वाला है, ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स एंड ड्यूरेशन भी 30 मिनट्स। तो गाइस, अब भी जाओ इस मौका का फायदा उठाओ। इसके सारा का सारा जो डिटेल्स है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया। साथ ही साथ गाइस, अगर आप Unacademy पर कोई सब्सक्रिप्शन ले तो मेरा कूपन कोड मिस्टर टॉपर को यूज कर लेना, तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। तो इस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।